हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में मैंने आपको एडिशन के बारे में समझाया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 एडिशन उनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया आपको, ऐड करना है इनको। इसमें आपको 8 एडिशन दिए गए, इनको आपको सोल्व करना है। सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं एडिशन नंबर फर्स्ट को। यहाँ पे नंबर दिया गया आपको, 33 डिजिट दे रखे हैं, 2 लाइन्स के अंदर 3, 6, 6, 2, 1 एंड 4, इनको आपको एड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों में आपको देखना है कि स्मॉल नंबर कौन सा है। दोनों में स्मॉल नंबर आपका 3 है, तो आपको 3 लाइन ड्रा करनी, 1, 2, 3। जस्ट इसके बाद में क्या करना है आपको, नेक्स्ट नंबर है 6, तो 6 में आपको क्या करना है, काउंटिंग बोनिक्स इसके आगे नेक्स्ट क्या आएगा आपका 6 के बाद में 7, 8, 9 आपको राइट करना है यहाँ पे 9। सेम इसी प्रकार से जो नेक्स्ट लाइन है उसमें आपको 6 एंड 2 दे रखा था, 2 आपका स्मॉल नंबर है। जैसे यहाँ पे 3 स्मॉल था, यहाँ पे 2 स्मॉल है, तो आपको 2 लाइन ड्रा करनी है, 1, 2। 6 के बाद में काउंटिंग बोर्ड ने आपको 7, 8, तो यहाँ पे राइट करना आपको 8। यहाँ पे 4 है, 4 के बाद में 1, यानी 4 के बाद में क्या आएगा, 5, यानी 1 है तो 1 लाइन ड्रा करेंगे, 4 के बाद में 5, तो 1 आप इसी प्रकार से डायरेक्ट एड कर सकते हो। तो 589 इसका आंसर हो जाएगा। ये जो नंबर आपका 1 से होता है, ये 10 पे होगा और ये आपका 100 पे होगा। 1, 10, 100, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इनको जो फर्स्ट नंबर है 9, ये आपका 1 से, 9 1 से, 8 10 से, यानी 80 है, और ये 500 है। 580 और 9, 589 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी के ऊपर आपको राइट करना है, जैसे 100 है, 10 है और 1 है। यहाँ पे 3 एंड 6 दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा था 3 एंड 6, तो आपको ये जो नॉर्मल बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे अभी हमने सोल्व किया था 3 एंड 6, तो 3 एंड 6 यहाँ पे सेम राइट किया गया है। तो आपको क्या करना है, जो नंबर है नीचे राइट किया गया है 9, तो आपको 9 राइट करना है। 2 एंड 1 है, तो 2 के बाद में 1 टाइम काउंटिंग बोर्ड नहीं है, तो 2 के बाद में क्या आएगा, 3। 5 एंड 3 दिया गया, तो 3 आपको लाइन ड्रा करनी है, 5 के बाद में आपको काउंटिंग बोर्ड नहीं है, 6, 7, 8, तो आपको राइट करना है यहाँ पे 8। तो 839 इसका आंसर हो जाएगा। 8 क्या है, 100, 3 क्या है, 10 का मतलब, जैसे 3 कितने टाइम 10 है, इसमें 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कितने 10 है, 3 10 है, तो 10 10 10 मिला के कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 10 3 जा 30, यानी ये 30 है और 1 में क्या आपका 9 है, तो 839। इस प्रकार से आप इनके नंबर्स नेम भी राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है 100, 10 एंड 1, इसमें आपको 5 एंड 3 दिए गए, तो 3 लाइन आपको ड्रा करनी है, स्मॉल नंबर है 3 आपका। नेक्स्ट है 5, 5 के बाद में आपको काउंटिंग बोनी है 6, 7, 8, 8 नंबर आपको यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट आपका 4 एंड 2 दिया गया, तो आपको 2 लाइन ड्रा करनी है, 4 के बाद में आपको काउंटिंग बोनी है 5, 6, तो यहाँ पे आपको 6 राइट करना है। सेम इसी प्रकार से 6 एंड 3 दिया गया, तो आपको जैसे यहाँ पे राइट किया गया है 6 एंड 3, या 3 एंड 6 एक ही बात है, यहाँ पे दोनों को प्लस करना है। जैसे 2 प्लस 3 आपका 5 होता है, या 3 प्लस 2 भी आपका क्या होता है, 5 होता है, यानी सेम आंसर आता है, तो आप किसी भी प्रकार से एडिशन कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 एंड 3 है, 3 एंड 6 दे रखा, तो आपके वो आंसर क्या आएगा, 9। अगर नहीं पता रहता तो आप 1, 2, 3, 6 के बाद में आपको काउंटिंग बोलनी है 8, 9, 7, 8, तो 9 आपका 100 है, 6, 60 है, 8, 1, तो 968 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 एंड 8, आपको क्या करना है, इसमें जो 5 दे रखा वो लाइन ड्रा करनी, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आपका नेक्स्ट 8, 8 में क्या करना है आपको, 5 लाइन ऐड करनी है, 8 के बाद में वो काउंटिंग बोलनी 9, 10, 11, 12, 13, 13 का आपको क्या करना है, 3 राइट करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 13 का क्या राइट करना है, 3 राइट करना है। जो 1 का नंबर होता है ना, वो आपको राइट करना है, जो नेक्स्ट नंबर है 10 पे 1, वो आपको नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे राइट करना है। अब यहाँ पे 5 दिया गया, 3 दिया गया और ऊपर क्या है, 1 है, तो आपको 5 के बाद में कितने स्मॉल नंबर आपका 3 है, 1, 2, 3 लाइन रखनी है, और जो 1 ऊपर राइट किया गया वो भी आपको यहाँ राइट करना है, तो 4 लाइन हो गई। 5 के बाद में आपको काउंटिंग बोलनी है 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे आपको 9 ऐड करना है।
राइट करना है सॉरी। फिर नेक्स्ट नंबर है 6 और 3, जैसे यहाँ पे दिया गया था 6 और 3, इनका लिए आपको राइट करना है 9, सभी में आ रहा है 6363। तो 993 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5, इसमें आपको 6 और 5 दिया गया, तो 5 लाइन ड्रा करनी है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद में काउंटिंग बोलनी है आपको 7, 8, 9, 10, 11, 11 का ये 1 आपको यहाँ राइट करना है और 1 आपको यहाँ राइट करना है। 8 के बाद में आपको 2 लाइन ड्रा करनी है 1, 2, एंड जो 1 ऊपर वाला वो भी आपको यहाँ पे राइट करना है, यानी 3 लाइन होगी। 8 के बाद में आपको काउंटिंग बोलनी है 9, 10, 11, फिर से आपको 11 का यहाँ पे 1 राइट करना है और 1 जो नंबर आपको नेक्स्ट कैरी में राइट करना है। 7, 8, 9, यानी 1 और 1 राइट किया गया, तो 7 के बाद में 1 टाइम बोलेंगे तो क्या होगा 8 होगा, फिर 1 टाइम करने पे क्या होगा 9, तो 7, 8, 9। 911 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, 7 और 2 दिया गया, तो 2 लाइन ड्रा करनी है 7 के बाद में 8, 9। ऐसे बार बार अगर सोल्व करोगे तो आपको जो नंबर्स है एडिशन वाले ये सब आपको याद हो जाएंगे अच्छे से, कि 7 में 2+ करेंगे तो क्या आने वाला है और 7 में 4+ करने पे क्या नंबर आने वाला है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इनकी उतनी स्पीड आपकी अच्छी बनती जाएगी, तो ध्यान से करना है इसको और समझना है। ये सभी नंबर्स आपके 100, 10, 1 से, तो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर होता है स्टार्ट वो आपका 1 से होता है, फिर आपका 10, फिर आपका 100, इसी प्रकार से नंबर्स को राइट किया जाता है। फिर यहाँ पे 7 और 4 दिया गया, तो आपको 4 लाइन ड्रागनी 1, 2, 3, 4, 7 के बाद में काउंटिंग बोलनी है आपको 8, 9, 10, 11, 11 का आपको 1 राइट करना है, 1 आपको नेक्स्ट नंबर पे राइट करना है। 8 और 2 दिया गया, 8 के बाद में आपको 2 लाइन यानी 1, 2 और 1 ऊपर वाला 3, 8 के बाद में आपको राइट करना है 9, 10, 11। अभी 11 राइट करेंगे क्योंकि अपने पास नेक्स्ट नंबर नहीं है जो 1 लगाने के लिए। तो 1119 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये जो 1 है वो कहाँ चला जाएगा, आपका 1000 पे चला जाएगा। थ्री एंड फोर, 1, 2, 3, 4 में ऐड करना है इसको 5, 6, 7, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है 6 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन ड्रा करनी है। 8 के बाद में आपको 9, 10, 11, 12, 13, 14 राइट करना है, 14 का आपको यहाँ पे 4 राइट करना है, जो 1 है वो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कैरी में राइट करना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 5 और 3 दिया गया, तो स्मॉल नंबर आपका 3 दे रखा है, तो आपको 3 लाइन ड्रा करनी है 1, 2, 3, और जो 1 ऊपर कैरी में लगा हुआ है वो आपको यहाँ पे राइट करना है। 4 लाइन हो गई यहाँ पे, 5 के बाद में आपको ऐड करना है 6, 7, 8, 9, 9 नंबर आपको यहाँ पे राइट करना है। तो 9 जो आपका 100 है, 4 आपका 10 है, 7 आपका 1 है, तो 947 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 8 और 8, 10, 1, यहाँ पे आपको 7 और 2 दे रखा है, तो आपको 2 लाइन ड्रा करनी है 1 और 2, 7 के बाद में आपको काउंटिंग बोलनी 8, 9, 9 नंबर आपको यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको 8 और 6 दे रखा, तो 6 स्मॉल नंबर आपका, तो 6 लाइन आपको ड्रा करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 के बाद में आपको काउंटिंग बोलनी है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 को आपको 4 ऐड करना है और 1 आपको नेक्स्ट नंबर कैरी पे ऐड करना है। इसमें आपको 3 और 4 दिया गया, तो 3 लाइन रखनी है 1, 2, 3, और जो 1 आपको यहाँ ऐड करना है, तो 4 हो गए, 4 यहाँ पे दिया गया, 4 के बाद में आपको 5, 6, 7, 8 यानी आपको यहाँ पे 8 राइट करना है। 800 4 टेंस, 9 आपका 1 से, तो 849 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे एडिशन आपके, एक्सरसाइज आपकी 3.1 के। नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज आपकी 3.2 उसको सोल्व करेंगे।